हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई है संसारी में। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यदि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रमोशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से जुड़ी और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे, आज की ये जो न्यूज है यहाँ पर, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली अपडेट आप देख सकते होंगे। विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को सभी वर्षों की अंक तालिका यानी कि जो मार्कशीट है वो प्रोवाइड करेगा। आगामी सत्र से लागू होगी व्यवस्था, कमेटी इससे प्रस्ताव तैयार कराकर पास कराया जाएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रमोशन के बारे में और आपके रिजल्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की जो मेन न्यूज है ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। सबसे पहले आप देख सकते होंगे आगरा से आज की न्यूज़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्नातक और प्रस्नातक अंतिम वर्ष यानी कि लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, इन स्टूडेंट्स को अभी छोड़ दिया गया है। इनके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फिलहाल प्रोन्नति दी गई है, आप देख सकते होंगे यहां पर साफ साफ बताया गया। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2019-20 के परिणाम के लिए उन्हें अभी इंतजार करना होगा। जो स्टूडेंट्स भी यहां पर DVRAU आगरा से बिलोंग करते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को, प्रमोशन वाले स्टूडेंट्स को, आपका जो रिजल्ट है उसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही वहीं जिन विषयों की परीक्षाएं उन्होंने दे दी हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनते रहें, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है किसी भी यूनिवर्सिटी पर लागू हो सकता है। और जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से, वो भी यहाँ पर ध्यान से देख लें कि यूनिवर्सिटी ने कौन सा फार्मूला आपके लिए तैयार किया है प्रमोशन से रिलेटेड। परिणाम के लिए भी आपको इंतज़ार करना होगा। वहीं जिन विषयों की परीक्षाएं उन्होंने दे दी हैं उसका मूल्यांकन अभी चल रहा है, यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम कॉपी हैं वो चेक हो रही हैं। यदि संबंधित विद्यालय में विद्यार्थी फेल होता है तो उसे बैक पेपर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये जो वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर विद्यालय नहीं होगा, यहाँ पर विषय लिखा हुआ होगा या फिर पेपर होना चाहिए, ठीक है, विषय या पेपर। जिस विषय में या फिर जिस पेपर में स्टूडेंट्स फेल हो जाता है उसे यहाँ पर बैक पेपर देना होगा, एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके साथ ही स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को परिणाम के लिए एक वर्ष का इंतजार करना होगा। हम केवल और केवल अभी इसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना है। अदर यूनिवर्सिटी की न्यूज़ के लिए आप हमारे सेकेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल की जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है, जहाँ पर आपको रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर या फिर यहाँ पर DDU गोरखपुर, जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी की न्यूज़ लगातार प्रोवाइड की जाती है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में यहां पर बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर में हैं अभी, उनको प्रमोट करने के लिए उनका जो रिजल्ट है वो अभी जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनको एक वर्ष का भी इंतजार करना होगा। और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर के हैं, द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर उन्हें प्रथम वर्ष के अंक मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते होंगे सेकेंड ईयर में जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम देंगे, ठीक है, आप जब आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे वहां पर जब आपके एग्जाम होंगे तो उन्हीं मार्क्स के बेस पर आपको फर्स्ट ईयर वाले मार्क्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज की ये जो न्यूज़ है, आज दिनांक 25 जुलाई 2020 को आगरा डिस्ट्रिक्ट के अमर उजाला न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है, आप इसे ऑफिशियली रीड कर सकते हैं। वहीं द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को प्रथम वर्ष के अंक के आधार पर द्वितीय वर्ष के उन प्रश्न पत्रों में अंक मिलेंगे जिनकी परीक्षाएं शैक्षिक सत्र 2019-20 में नहीं हो पाई हैं। इसके साथ ही यहां पर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है कि सेकेंड ईयर में जिन जिन सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं आपको, आपका रिजल्ट इसी बार जारी किया जाएगा, ठीक है, तो आपको जो मार्क्स होंगे वो फर्स्ट ईयर वाले मार्कशीट के हिसाब से आपको दे दिए जाएंगे उन सब्जेक्ट में जिन सब्जेक्ट की परीक्षाएं अभी आपकी नहीं हो पाई हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जानकारी दी गई है। इसके साथ यहां पर आप देख सकते होंगे प्रथम और द्वितीय वर्ष दोनों वर्षों के छात्रों की जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा हुई है उनके प्राप्त अंक बताए जाएंगे, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हों या फिर आप सेकेंड ईयर में हों,
ठीक है, जिन सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सब्जेक्ट के आपको मार्क्स बताए जाएंगे, यानी कि वो मार्क्स आपको मिलेंगे जिन जिन सब्जेक्ट के परीक्षाएं आपकी हो चुकी हैं। प्रमोशन केवल उन्हीं सब्जेक्ट या फिर उन्हीं पेपर्स में दिया जाएगा जिनकी परीक्षाएँ नहीं हुई हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजीव कुमार का कहना है कि बैक पेपर आने पर विद्यार्थी को परीक्षा देनी होगी। यदि कोई स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है तो उसको एग्ज़ाम देना होगा। बैक पेपर की जो परीक्षा है वो मेन एग्ज़ाम से पहले कराई जाएगी, इसकी कार्ययोजना अभी बनाई जानी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। और दोस्तों, इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।